আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালাম আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়া ইমামিল মুরসালিন নবীনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান সান্না বিসুন্নতিহি ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দ। ব্রাদারান ইসলাম, বহুত সারে মুসলমান নামাজ আদা করতে হ্যাঁ तो हालत नमाज में अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और अपनी आँखों को बंद करके नमाज अदा करते हैं। आँखों को बंद करके नमाज अदा करना उलमा ने बिल इत्तेफाक़ इसको मकरूह करार दिया है, बग़ैर हाजत के, बग़ैर ज़रूरत के। अगर बग़ैर किसी हाजत और ज़रूरत के अपनी आँखों को बंद करता है तो बिल इत्तेफाक़ ये अमल मकरूह है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी नमाज़ें अदा की हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में अपनी आँखों को खुली रखा करते थे। और उलमा ने इस्तदलाल किया उन अहादीस से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा सलातुल कुसूफ में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंगूरों को लेने के लिए, हासिल करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीक़े से एक मरतबा शैतान ने आपकी नमाज में खलल पैदा करना चाहा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पकड़ने के लिए आगे की तरफ कदम बढ़ाया। इस किस्म के बेशुमार हदीसें हैं जिन हदीसों से हमें इस बात का पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते अपनी आँख खुली रखकर। तो सुन्नत की इत्तबा करते हुए इंसान को चाहिए कि अपनी आँखों को हालत नमाज में खुली रखे। बाद सूफिया जो कहते हैं कि हालत नमाज में अपनी आँखों को बंद रखना चाहिए, ये अमल चूँकि सुन्नत के ख़िलाफ़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुतवातिर अमल साबित है उसके ख़िलाफ़ है, लिहाजा इस अमल को उलमा ने मकरूह करार दिया है। अगर कोई आदमी अपनी आँखों को खुला रखता है और अपनी आँखों को खुली रखने की वजह से उसकी नमाज में खुशू पैदा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मनाजिर उसके सामने दिखाई दे रहे हैं जिसके बिना पर नमाज में खलल वाक़ हो रहा है, अगर नमाज में खुशू पैदा करने के लिए अपनी आँखों को बंद कर लेता है तो चूंकि एक वक्ती हाजत है, वक्ती ज़रूरत है, इस किस्म के मौक़े किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, कोई भी मुसलमान इनका शिकार हो सकता है, तो अगर वक्ती ज़रूरत के तहत खुशू पैदा करने के लिए कभी मुख्तसर मुद्दत के लिए अपनी आँखों को वो बंद कर लेता है और अपनी आँखों को बंद करके नमाज पढ़ता है तो उलमा ने इस अमल को जायज़ करार दिया है। जैसे इज़ इब्न अब्द सलाम हैं और इसी तरीके से शेख बिन बाज़ रहिमहुल्लाह हैं, उन उलमा से जब पूछा गया कि अगर कोई बंदा खुशू के लिए अपनी आँखों को बंद कर लेता है इसलिए कि कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जिन मौके पर अपनी आँखों को खुला रखने से इंसान की नमाज में खुशू ख़त्म हो जाता है, तो क्या ऐसे मौके पर अपनी आँखों को वो बंद कर सकता है? तो उलमा जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर इस ज़रूरत के पेश नज़र, वक्ती ज़रूरत के पेश नज़र खुशू पैदा करने के लिए अपनी आँखों को बंद करके नमाज पढ़ता है तो ऐसी सूरत में चूँकि ये वक्ती होती है तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन कोई आदमी मुसलसल इस अमल को इख्तियार करे तो ये अमल कराहत से खाली नहीं है। लिहाजा इंसान जब नमाज अदा करे तो उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों की तरफ मेरी रहनुमाई की है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए मकरूह हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं और कौन सी चीज़ें जो है जायज़ हैं। अगर इन चीज़ों को वो जान ना पाया तो बसा औक़ात कराहत की चीज़ों का शिकार होकर अपनी नमाज में खलल पैदा करने का वो
सबब बन जाएगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि सारे जो शरीयत के अहकामात हैं उनको जाने, उनको पहचाने, सुन्नत के मुताबिक अपनी नमाजों को बनाने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि बसा औकात शैतान इंसान के दिल में वसवसा पैदा करता है कि अपनी आँखों को बंद करना एक अच्छा अमल है, एक महबूब फेल है, और बसा औकात आँखों को बंद करके नमाज अदा करने से इंसान को वक्ती सुकून भी हासिल हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये शैतान का वसवसा है, शैतान का एक अमल है जो सुन्नत को इंसान को सुन्नत से दूर करने के लिए उसके दिल में पैदा कर रहा है। अगर इंसान कोशिश करे कि जो वसवसे दिल में आते हैं, जो मनाज़िर, जो ख्यालात उसके दिल में पैदा होते हैं आँखों को खुली रखने की वजह से, अगर इनको दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी आँखों को खुली रखता है तो अल्लाह ताला यकीनन उस बंदे की मदद करेगा। यकीनन वो बंदा शैतान के वसवसे से एक ना एक दिन दूर होगा और उसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक होगी। लिहाजा इंसान को चाहिए कि शैतान के फरेब में वसाविस में ना आते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी नमाजें बनाने की कोशिश करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी नमाजों को सुन्नत के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।